यार वो स्पोर्ट्स शॉप है ना, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, तो ऐसे अट्रैक्ट करता है हमको। ऐसे जाते हैं तो चुंबक की तरह ऐसे खींच लेता है अंदर। बरमूडा ट्रायंगल, M3 स्पोर्ट इज बरमूडा ट्रायंगल ऑफ स्पोर्ट्स, वो हमें ऐसे खींच लेता है अंदर। 2-3 घंटा अंदर ही रखता है, फिर बाहर जाते हैं हम लोग। मॉर्निंग। मेरा हेयरकट, अंगद का भी हेयरकट। आज मॉर्निंग को उठे हम लोग, हबीब में जाके अंगद का हेयर कट कराया, मेरा भी हेयर कट कराया। मैंने तो लॉकडाउन के बाद पहली बार सैलून में जाके हेयर कट कराया। आज एकदम आराम से मॉर्निंग को उठा था और वीडियो एडिट किया, स्टेटस स्पोर्ट्स के लिए अपलोड किया, वो अभी पब्लिश हो गया है। एंड अभी नहा के आया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, दाढ़ी वाड़ी कर ली, 2 दिन से दाढ़ी नहीं की थी, मैचेस चालू था, तो आज मस्त जरा फ्रेश होके आराम से उठा हूँ। नाउ इट्स 12 o'clock, तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। नहीं बट आप तो मॉर्निंग को देखने वाले हैं ना, तो ठीक है करेक्ट। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। बट अभी गुड आफ्टरनून है। अरे बट ते सकाळी बघणार आहेत ना व्लॉग, ये लोग तो मॉर्निंग को 9 बजे देखने वाले हैं ना। बाबा 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 बोल, बाबा बाबा काय बोल, कसा आहेस, बोल कसा आहेस तू आज। बोल्ट खुश है, सब लोग घर में दिख रहे हैं उसको, है कि नहीं, आज सगळे आहेत ना। ओ आलो आलो, काल ओम आला होता आपल्याकडे, ओम ओम पार्टी बदलू, ओम पार्टी बदलू नेता, ओम इस पार्टी बदलू नेता। ओम का टिफिन मेरे पास रह गया है, वो उसको देना है दोपहर को, आराम से जाऊंगा दोपहर को, देख के आऊंगा उसको। हम लोग मैच के हाइलाइट्स देख रहे हैं, हाइलाइट्स। ओमे रन आउट, ओमे रन आउट हो गया, रन आउट 69 पे। सब लोग हमारे टीम के उसको वेल प्लेड कर रहे हैं, देखो ना गेस्टर, बहुत बहुत प्यार करते हैं सब लोग ओमे से। हाँ अरे कितना प्यार दे रहे। That was brilliant catch. शुभम का कैच बहुत ही बढ़िया था, एंड शुभम कंप्लीट पैकेज है, मतलब मैच्योरिटी पैकेज है। बेल्स रहता तो एक विकेट और एक हो जाता था अंगद का। 2 बॉल है ना ऐसे, एक्चुअल बेल्स को छूके गए, बट बेल्स थी नहीं, हवा थी तो बेल्स निकाल के रखे थे, दैट्स वाई वो विकेट नहीं मिली। अदरवाइज अंगद के 5 विकेट्स हो जाते थे, खुद ने उसने 2 कैच भी ड्रॉप किए अंगद ने, अदरवाइज अच्छे खासे विकेट थे कल उसके। चलो जस्ट खाना खा के हो गया, प्रक्षति और अंगद बाहर कोई सीरीज देख रहे हैं, वेब सीरीज। मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ लोअर बैक। चलो डॉक्टर ने मुझे रेस्ट लेने के लिए बोला है, कंप्लीट रेस्ट कुछ दिनों के लिए। तो संकेत सर से मेरा बात हो गया, संकेत सर बोले आप रिलैक्स करो, आराम करो, मैं देख लेता हूँ एकेडमी, कुछ भी इशू नहीं है। बट क्या है ना, मुझे ही रहा नहीं जाता एकेडमी जाने बगैर। क्या एक तो पैशन है अपना, एंड अगेन बच्चों में टाइम निकलता है तो अच्छा लगता है। सी दिस इज हिटिंग पैड लोअर बैक के लिए। बट सोच रहा हूँ कि अभी मेरा अगला मैच है थर्सडे को, सो 3 दिन जरा आराम कर लेता हूँ। अंगद को प्रक्षति लेके जाएगी, सिर्फ अंगद को लेके आने के लिए मैं जाऊँगा, उतना ही करूँगा, क्योंकि कल का दिन भी थोड़ा स्ट्रेस भरा रहा, मतलब स्ट्रेस इन द सेंस खड़ा रहा था ना, तो लोअर बैक पे ज़्यादा प्रेशर रहता है। जितना लेटे रह सकूँ उतना रहने को बोला है, क्योंकि वो जो भी इंजुरी है इंटरनल डिस्क की वो हील हो पाए, इट्स आयुर्वेदिक ना, तो वो अंदर काम करता है स्लो। सो जितना हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहो उतना लोअर बैक पे स्ट्रेस कम आएगा एंड हीलिंग उतना फास्ट होगा। चलो यार आराम कर लेते हैं। कल बच्चे बहुत अच्छा खेले, अंगद अच्छा खेला, रुद्र अच्छा खेला। द मेन थिंग जो मुझे अच्छी लगी कि वो लोग नॉट आउट रहे। बहुत बार क्या होता है, बॉलिंग अटैक सामने का वीक होता है ना, तो बैट्समैन ओवर कॉन्फिडेंट होकर विकेट डाल देते हैं। उनको बोला मैंने कि भाई तुमको एंड तक खेलना है विदाउट लूजिंग एनी विकेट, तो बाद में उनको समझ में आया रुद्र एंड अंगद प्लेड नॉट आउट इनिंग, सो उनको वो सेटिस्फेक्शन मिला। फिर मैंने उनको बोला कि अभी कैसे लग रहा है कि आप नॉट आउट होके बाहर आए हो, मतलब आपको आउट नहीं निकाल पाई सामने वाली टीम, तो वो सेटिस्फेक्शन उनको दोनों के लिए बहुत सही था, अलग फीलिंग था, तो वो फीलिंग मुझे उनको रियलाइज करा के देना था। अभी अंगद एंड रुद्र की जो ओपनिंग पेयर है वो अच्छी खासी एस्टेब्लिश हो रही है हमारे अकेडमी की, एंड राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन है ना, तो दैट इज पॉजिटिव साइन, क्योंकि बॉलर को सेटल होने को या बॉलर की लाइन एंड लेंथ सेटल होने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है राइटी एंड लेफ्टी कॉम्बिनेशन से। तो होपफुली रुद्र एंड अंगद ऐसे ही अच्छे कंटिन्यू करे, एंड 1 डाउन 2 डाउन में प्रथमेश एंड शुभम एंड अनुज है, तो वो लाइनअप है, एंड बाद में मिडल ऑर्डर या डाउन द ऑर्डर पार्थ एंड बाकी प्लेयर्स है जो हिटिंग करेंगे। बट अच्छा खासा भी डेप्थ होने लगा है, एंड अवर एकेडमी इन द प्रोसेस ऑफ टीम बिल्डिंग, तो टीम बिल्डिंग के प्रोसेस को थोड़ा टाइम जाता है, एक एक प्लेयर जोड़ के हमें अच्छा टीम बनाना होता है। एंड अगेन हमें एक नया फाइंड आउट हुआ है, मैं तो वेरी गुड प्लेयर है, सिर्फ उसका रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रॉब्लम है, अदरवाइज बाय स्पिरिट वाइज बहुत हाई है वो मैं। देन अभी एक और मल्लार करके लड़का ज्वाइन हुआ है, लेफ्ट आर्म स्पिन डालता है, अच्छी डालता है, बट फिटनेस का इशू है उसका, वो सॉल्व हो जाएगा, तो वो भी ही इज़ अ गुड प्लेयर। एक सार्थक है,
सार्थक बिरादर, ही इज़ ऑल्सो गुड प्रॉमिसिंग प्लेयर, वेरी अर्ली स्टेज, अभी अभी एकेडमी ज्वाइन किया है, बट उसका मैच सेंस अच्छा है एंड उसके ऊपर अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली मिडल ऑर्डर में अच्छा खेल पाएगा। एंड बॉलिंग अटैक हम लोग स्टिल वी आर फाइंडिंग पेसर, क्योंकि हमारी बॉलिंग की स्ट्रेंथ है स्पिनर आ जाते हैं तो हमारी सामने वाली टीम का जो स्कोरिंग है वो एकदम से कम हो जाता है। दो तीन है बट स्टिल दे आर नॉट मैच रेडी, नेट्स में बॉलिंग डाल लेते हैं बट मैच में डालना है ना अलग स्किल लगता है फास्ट बॉलिंग के लिए, तो वो अभी तक हम ढूंढ रहे हैं। हीटिंग पैड अच्छा गर्म हो गया है, थोड़ा सेक ले लेता हूँ। तो मैं आज एक डेढ़ घंटे नींद करके उठा हूँ, लोअर बैक को थोड़ा आराम दिया, थोड़ा मसाज किया, देन थोड़ा स्टीम लिया, बीच जस्ट बाहर आया हूँ। एंड अंगद का भी लेक्चर खत्म होगा और अंगद को मैं लेके जाऊँगा एकेडमी, एक दो दिन संकेत सरी एकेडमी लेंगे, मैं थोड़ा लेट ही जाऊँगा क्योंकि मुझे थोड़ा रिलैक्स करना था। ये रहा ओमकार डब्बा, कल हमारे घर पे छोड़ गए साहब, पार्टी बदलू नेता, इसको अभी जाते जाते देंगे हम लोग, या तो एकेडमी से आते आते देंगे। आज शायद वो मैं मैच खेलने गए, शायद अभी तक तो मैच हो ही रहेगी, पक्का घर जाते जाते देंगे, अगर एकेडमी आया रहेगा तो एकेडमी में देंगे, अदरवाइज तो घर पे देंगे। मारला तो बॉल खालतीच असणार ना, हां मग तू इथे येऊन देतो मग कसा वरती चढणार बॉल, पुढे पुढेच मारायचा, पुल इन फ्रंट म्हणतात त्याला, काय म्हणतात, पुल इन फ्रंट। शर्मा मारतो जसा रोहित शर्मा रिकी पॉन्टिंग पुल इन फ्रंट। अंगद की फास्ट बॉलिंग की अभी प्रैक्टिस हुई है, अभी थोड़ा ब्रेक होगा, थोड़ा चाय पान होगा हमारा और फिर हम लोग स्पिन पे प्रैक्टिस करेंगे। हमारे ग्राउंड पे है ना पानी देने के लिए ऑटोमेशन है। हाँ अभी ये देखो, ये ऑटोमेशन है, ये पानी के प्रेशर से ऊपर आता है, अभी ये टूट गया। हाँ उनको मैं बोला था ये ग्राउंड लेवल के नीचे रखो, और ये सब ऑटोमेशन वगैरह है ना इंटरनेशनल ग्राउंड पे पॉसिबल होता रहेगा, वो भी मालूम नहीं, आई डोंट नो होता है कि नहीं, बट ये टूट जाएंगे बॉल लग के बच्चे के, और ये इसमें से दो तीन तो टूट गए, बीच में एक स्टॉप करके रखा है, ये कितने दिन चलेंगे पता नहीं, बच्चों को पैर को भी लगते हैं, बॉल भी लगता है इसको बार बार। एक्चुअली क्या होता है पानी देते हैं ना तो दूसरे दिन मैटिंग गीला हो जाता है, कि इसका जो स्प्रिंकलर है उसका पानी मैटिंग पे आ जाता है, ये तो सूख जाता है बट मैटिंग नहीं सूखता, सो दैट्स व्हाई पानी देने का भी टाइम कम किया है। तो मैंने उनको सजेशन किया है कि ये जो स्प्रिंकलर्स है जो मैटिंग के बीच में है वो निकाल दो या उसको स्टॉप कर दो, यहाँ के जहाँ पे लॉन है वहाँ के स्प्रिंकलर आप चालू रखो तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। कल हम लोग M3 स्पोर्ट्स गए थे वापस एक बार, मुझे कुछ नहीं लेना था। अरे सर जी आइए ना यहाँ पे, आप वहाँ पे क्यों बैठे, आइए सर जी, आपकी टीम कल जीत गई है तो आप हमारी टीम नहीं, हमारी टीम जीती है, आप हमारी टीम, संकेत गुरु जी की टीम कल जीती है। बहुत लोग मतलब पूछते हैं कि आप बार बार M3 स्पोर्ट्स क्यों जाते हो, जाना अच्छा लगता है हमें, M3 स्पोर्ट जाना अच्छा लगता है, वहाँ पे शॉपिंग करना अच्छा लगता है हमें, और आपको भी तो देखना अच्छा लगता है कि नहीं, है कि नहीं, हम लोग M3 स्पोर्ट जाते हैं तो उस वीडियो को मैक्सिमम व्यूज रहते हैं, मैक्सिमम कमेंट्स रहते हैं, मैक्सिमम लाइक्स रहते हैं, और हमारे काम की चीज होती है, हमारे क्रिकेट की चीजें होती है बेसिकली। उसके पीछे का रीजन ये है कि M3 स्पोर्ट्स केदार जाधव का शॉप है, इट इज़ वेरी गुड शॉप, और वहाँ पे ना जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मतलब डुप्लीकेशन वहाँ पे नहीं होता, एक तो प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, और हम लोग क्या करते हैं जो भी बच्चे किट अपग्रेड करते हैं ना तो उनको स्पेसिफिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे थाईपैड मून वॉकर का बोलते हैं, पैड्स SS टेस्ट ओपनर या SD टेस्ट बोलते हैं, या बॉल भी लेते हैं बच्चे तो भी टेस्ट ग्रेड का बॉल हम लोग उनको बोलते हैं, हेलमेट भी स्पेसिफिक श्रेय का बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें ना M3 स्पोर्ट्स में मिल जाती है जो बाकी स्पोर्ट्स शॉप में नहीं मिलती, और वो लोग बजाय वो अच्छी चीज़ें देने के बच्चों को कोई ना कोई तो दूसरी चीज़ दे देते हैं। तो एक हाथ स्पोर्ट्स शॉप वाला बोल सकता है ना कि भाई मैं हम उनको मंगा के देता, उनके पास जो होता है ना वो प्रोडक्ट पुश करते हैं, और क्या होता है पेरेंट्स को उतनी उसके पीछे का रीज़न मालूम नहीं रहता, जैसे हॉकी के बॉल भी है वो अगर आप गलत बॉल लोगे ना तो बैट टूट जाती है, हॉकी के भी नॉकिंग के पर्पज़ के लिए अलग बॉल आता है, बट क्या होता है बहुत सारे लोग सुनते नहीं है, कुछ अपने दिमाग का करते हैं, फिर उनको ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। एंड अगेन जब भी मैंने क्रिकेट शुरू किया था तो उतना मैं मुझे घर वालों से मतलब मेरे पेरेंट्स से क्रिकेट के लिए उतना सपोर्ट नहीं था जितना मैं अंगद के लिए कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा 2002 में, जैसे अंगद खेलना शुरू किया मैंने मेरा वापस क्रिकेट शुरू किया, एंड मतलब हमारे ज़माने में ऐसी कभी देखने को नहीं मिलती थी, मतलब ऐसा शॉप है ना, ऐसे शॉप में जाना जैसे M3 स्पोर्ट जैसे शॉप में जाना हमारे लिए ड्रीम था, मतलब हम लोग अंदर जाने के लिए भी डरते थे कि अरे क्या यहाँ पे क्या बोलेंगे, या अपने को कुछ खरीदी करने को परवड़ेगा कि नहीं परवड़ेगा, ऐसे सोच दिमाग में आती थी। तो ये अंगद के साथ ना होए, अपन अभी आज हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अंगद अच्छा खेलता है, हम लोग वो चीज़ें सारी चीज़ें अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो जाना हमें अच्छा लगता है। हम लोग दो घंटा वहाँ पे रुकते हैं एज इफ हम लोग घूमने गए तो वो एक सेटिस्फेक्शन रहता है ना M3 में ना, वो घाई नहीं करता है,
वो एम्पल ऑफ टाइम देता है आपको, जो देखना है देखो, बैठना है बैठो, कितना बैट हाथ में लेना है लो, वो कुछ भी नहीं बोलता है कि इसको हाथ मत लगाओ उसको हाथ मत लगाओ। कभी अच्छे प्रोडक्ट आते हैं तो हमको इंटीमेट भी करते हैं कि भाई अच्छा प्रोडक्ट आया है, आप आके देख के जाओ, बैग अच्छी आई है, बैट अच्छी आई है। वो भी एक पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव वाइब्स रहते हैं शॉप में, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे जाते हैं। चाय हमारी चाय आ गई चाय, तो इसीलिए हम लोग M3 स्पोर्ट्स में बार बार जाते हैं। एंड कल हमें कुछ नहीं लेना था, अनुज को लेना था, कल केदार जादव भी आया था, अरे ऐसे कभी जाएंगे तो केदार जादव से मिलना भी हो जाएगा शायद, इसीलिए हम लोग जाते हैं M3 स्पोर्ट्स। और कैसे होते हैं M3 स्पोर्ट्स में जब भी जाते हैं ना, तो ऐसा फीलिंग आता है हमको भी और बच्चों को भी कि वो अलीबाबा की गुफा में जाने के बाद कैसा फीलिंग आता है, अरे इतने सारे बैट, इतने सारे प्रोडक्ट, मतलब भले ले ना ले बट उस उनको हाथ लगाने का चांस मिलता है, हाथ में लेके देखने का चांस मिलता है, सबको छूने का मौका मिलता है। और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आपके मन में ना डिज़ायर क्रिएट्स करती है, और डिज़ायर क्रिएट्स पावर। एक बार डिज़ायर क्रिएट होगी तो हमें वो मिल भी जाती है। हम लोग ऐसे नहीं कर रहे कि हम M3 स्पोर्ट्स का एंडोर्समेंट कर रहे हैं, हम लोग ऐसे लग रहे हैं नहीं, बट स्टिल आई लाइक दैट शॉप। एंड जो वहाँ पे रोहन बैठता है, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड पर्सन, वो भी हमें अच्छा सर्विस भी देता है। एंड अगेन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि M3 स्पोर्ट्स कुरियर करता है क्या, तो हाँ बिल्कुल करता है। आप M3 स्पोर्ट्स गूगल पे जाइए, गूगल पे उनका नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप प्रोडक्ट उनके साथ करस्पॉन्डेंस कैसे व्हाट्सअप करके देख सकते हैं, एंड वो कुरियर भी करते हैं। हाँ M3 स्पोर्ट बार बार क्यों जाते हैं, हमारे बगल में इसलिए जाते हैं और रास्ते में पड़ता है, कभी भी जाते हैं ना आने जाने के रास्ते पे वो M3 स्पोर्ट्स पड़ता है, तो कभी ऐसे चलो यार जाते हैं, क्या नया आया चीज़ आया देखते हैं। और वो स्पोर्ट्स शॉप है ना, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, तो ऐसे अट्रैक्ट करता है हमको, ऐसे जाते हैं तो चुंबक की तरह ऐसे खींच लेता है अंदर, बरमूडा ट्रायंगल, M3 स्पोर्ट इज बरमूडा ट्रायंगल ऑफ स्पोर्ट्स, वो हमें ऐसे खींच लेता है अंदर, 2-3 घंटा अंदर ही रखता है फिर बाहर जाते हैं हम लोग। रोहन आता आम्हाला स्पॉन्सरशिप दे ले बोललो तुझ्याबद्दल, संकेत सर चहा भरा नाही तर आपला चहा थंड व्हायचा M3 स्पोर्टची लाल करता नाही। बट जेन्युइनली आई लाइक दॅट शॉप, मतलब हमारे जमाने में ना ऐसे शॉप नहीं थे, तो मेरे को मैं ना बच्चों को तो आनंद होता ही होता है, प्लस हमको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है ऐसे शॉप में जाने का। हमारी अभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गई है कि हम लोग ये सब ले सकते हैं, बट हमारी फिजिकल कंडीशन अभी ख़राब हो गई है कि हम लोग खेल नहीं सकते। मेरा पूरा किट बैग है, 2 भारी बैट है, एक नाइकी का है, एक V3 का है, बट साला लोअर बैक का प्रॉब्लम है, तो क्रिकेट बंद है हमारा। चलो अंगद खेल रहा है तो अंगद और बाकी बच्चों के लिए जाते हैं हम लोग वहाँ पे। वाह संकेत सर शाबाश, आज संकेत सर ने बिना गिराए हुए चाय भरा है, अभी स्किल्ड लेबर हो गए, अनस्किल्ड टू स्किल कन्वर्जन हो रहा है उनका। नहीं तो मैं आपका एकदम गुणगान गा रहा हूँ और आपने चाय गिरा दिया, ऐसा ना हो। देखो देखो कैसे भाग भाग के आ गए, देखो चाय प्रेमी। हम लोग इनसाइड आउट शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो मारता आता है शॉट रे ना, है कैच कैच हातात गेला कैचिंग का वर्ला नहीं डालने वाले अनस्किल्ड लेबर्स। हाँ बॉल फिट करने नहीं आता, अभी मुझे आता है क्या देखते हैं। इनसाइड आउट वरना मारायचा आहे, बहुत प्रैक्टिस लगती है इनसाइड आउट में मास्टर दिलाने के लिए। हमारे संकेत सर मास्टर है इनसाइड आउट शॉट खेलने के लिए, एकदम बोल के मारते हैं, बोल के रनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं संकेत सर। आंगन टिको टिको अरे तू पोतलात नाही अंगात अजून, बॉलच्या साईडला बॅक नाही पाहिजे, साईडला बॉल आहे त्या साईडला फेस पाहिजे, जहां पे बॉल मारा ना वहां पे फेस चाहिए, बॅक नाही चाहिए। चलो स्टार्ट, नाही वाकला नाही अंगात, पहिला रन कभी भी फास्ट लेने का पहिला, आणि पहिली रन घेताना ज्यावेळेला तुम्ही क्रॉस होता ना एकमेकांना त्यावेळेला 1 आणि 2 चा कॉल पटकन देता, 1-1-1 2-2-2-2 कळलं का, कमॉन 2-2-2 कमॉन 1-1-1 स्प्रिंट हो गया स्प्रिंट, संकेत सर जीत गए, चल 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 यस कैमरामन भाग भाग के थक गए, फट गई लेकिन मजा आ गया। हाँ संकेत सर तुझ्यासोबत पडो ना, जोरात
चला ओके डन, एंड ऑफ टुडे सेशन। संकेत सर के कान गरम हो गए, कान गरम हो गए संकेत सर के, भाग भाग भगा भगा के मारेंगे। ये करना पड़ी, ये करना पड़ी। चलो दोस्तों आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके आज सब लोग थक गए, कान गरम हो गए सबके। हाँ तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, नॉट ओनली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन, तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। तो दोस्तों एज ऑलवेज अडियोस अमिगो। ओमया हाँ टक टक, ओमया का डब्बा, ओमया का डब्बा, होम डिलिवरी। ओमया वरती पण असा जातो करे चढत, दोर दोर बांधून। ओ मालक आईला, ओमया कुठेच तू आला नाही आज। अरे मॅच 3 वाजता संपते, आमचा व्हिडिओ संपलाय, पण एकदा अडियोस अमिगोस, अडियोस अमिगोस। आ सही करेक्ट, चल बाय बाय। ओमे का डब्बा, स्टॅनली का डब्बा।